हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट वाइब्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज के इस अमेजिंग वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप अपने स्कूल, प्री स्कूल, किंडरगार्टन में किस तरह से विंटर सीजन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब जबकि बहुत सख्त वाला विंटर सीजन चल रहा है, स्नोफॉल भी हो रही है, तो बहुत सारे स्कूल में बच्चों को विंटर सीजन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इस वीडियो में आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे बैकग्राउंड्स डेकोरेशन के, देन आपको टेबल डेकोरेशन के डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, सेल्फी फ्रेम्स के डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, किस तरह से आप अपनी क्लास में हैंगिंग्स बना के उनको हैंग कर सकते हैं उसके डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, डोर डेकोरेशन, विंडो डेकोरेशन, हर तरह की आपको इस वीडियो में डेकोरेशन मिल जाएगी। गाइस, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, हम आपके रिक्वेस्ट पे भी वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमने उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस अपलोड करी है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे अपलोड हो, आपको ये डेकोरेशन अपलोड करवाना चाहते हो या आपको किसी भी इवेंट से रिलेटेड डेकोरेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो आपके नेम के साथ अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे, डिफरेंट क्राफ्ट्स मिल जाएंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। आपको डिफरेंट टेबल डेकोरेशन मिल जाएंगे, डिफरेंट सेल्फी फ्रेम्स मिल जाएंगे, डिफरेंट हैंगिंग्स मिल जाएंगे, डिफरेंट गेम्स की एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, डिफरेंट सॉफ्ट बोर्ड्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको डिफरेंट डिस्प्ले एरियाज मिल जाएंगे, आप अपने विंटर सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से डिस्प्ले एरिया रेडी कर सकते हैं, ओरा रेडी कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। अपनी विंडोज़ को क्रे पेपर के साथ डेकोर कीजिए, वो बिल्कुल आपको एक स्नो एरिया का इफेक्ट देगा, स्नोफॉल जहाँ पे एरिया का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अगर आप अपनी ग्लास विंडो में क्रे पेपर के साथ उसे डेकोर करके इसके ऊपर स्नो बॉल्स छोटे छोटे बनाकर उनको फिशिंग वायर के साथ हैंग कर सकते हैं, और डिफरेंट आप स्नोमैन भी बनाकर हैंग कर सकते हैं अपनी क्लास में, डिफरेंट आप स्केटबोर्ड बनाकर हैंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट बलून्स को ब्लू और वाइट को उनकी डेकोरेशन भी साथ में कर सकते हैं। आप अपनी क्लास रूम के रूफ के साथ स्नोफॉल को हैंग कर सकते हो। सिंपली स्नोफॉल कैसे बनाई जाए, आपको सिंपली फिशिंग वायर चाहिए, उसके साथ आप कॉटन बॉल को यूज़ कीजिए, आप कॉटन को बॉल की शेप में बनाकर फिशिंग वायर के साथ स्टेपल कीजिए, देन आप एक हैंड के स्पेस पर अनदर बॉल को हैंग कर दीजिए। इसी तरह से आप 3 से 4 बॉल्स को हैंगिंग में हैंग कर सकते हो। बहुत सारी हैंगिंग्स अपनी क्लास में बनाई और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक स्नोफॉल का इफेक्ट आपकी क्लास में देगा। उनको बना के फिशिंग वायर के थ्रू उनको हैंग कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की उसमें सेल्फीज़ लीजिए, उनकी फ़ोटोज़ लीजिए, उनके पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक पेज पे अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और लुक देता है, और आपकी जो होती है स्कूल की परफॉर्मेंस उसको भी अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब बच्चों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाइए, आप उनसे स्नोमैन बनवा सकते हैं चार्ट पेपर से, देन आप कॉटन बर्ड्स को यूज़ करके उनसे स्नोमैन बनवा सकते हैं, चार्ट पेपर को यूज़ कीजिए, कोलाज करवा सकते हैं, देन आप डिस्पोजेबल प्लेट्स को यूज़ करके स्नोमैन बनवा सकते हैं, डिस्पोजेबल कप को यूज़ करके स्नोमैन बनवा सकते हैं, देन आप उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है आप उनसे करवा सकते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सी डेकोरेशन लेके आते रहते हैं कि जो आपकी हेल्प आउट करती है आपकी क्लास को डिकोर करने में। गाइस, बहुत ही ज़्यादा जो सर्दी वाला सीज़न है, आप उसके लिए इग्लू बना सकते हैं। इग्लू बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, डिफरेंट आइडियाज़ हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दीजिए हैं। गाइस, आप अपने डोर्स को डेकोर कीजिए, आप डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप किस तरह से अपने क्लास डोर को डेकोर कर सकते हो, विंडोज़ को डेकोर कर सकते हो, वॉल्स को डेकोर कर सकते हो, अपनी हैंगिंग्स को डेकोर कर सकते हो, आपको डिफरेंट सॉफ्ट बोर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, डिफरेंट सेल्फी फ्रेम्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, रीडिंग कॉर्नर्स के डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। इवन इस वीडियो में आपको पूरी एक थीम मिलेगी कि आप किस तरह से एक थीम के साथ चलकर अपनी क्लास को डेकोर कर सकते हो। पोलर बियर्स बनाइए, पेंगुइन्स बनाइए स्नोमैन। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलती हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा लेकर। टिल दैट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, और हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।